चेतन भगत का ये नॉवल 2012 में आया था, जिसे रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया और इसमें टोटल पेज है 313। दुनिया भर में लव मैरिज का फंडा बहुत सिंपल होता है। लड़का लड़की को प्यार करता है, लड़की लड़के को प्यार करती है, दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ और ही स्टेप्स होते हैं। लड़का लड़की को प्यार करता है, लड़की लड़के को प्यार करती है, लड़की की फैमिली को लड़के को प्यार करना होता है और लड़की की फैमिली को लड़के की फैमिली को प्यार करना होता है, लड़की की फैमिली को लड़के की फैमिली को प्यार करना होता है। लड़का और लड़की अब भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। ये कृष और अनन्या की कहानी है, जो भारत के दो अलग अलग हिस्सों से है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जाहिर है उनके पेरेंट्स को उनकी शादी से एतराज है। अपनी लव स्टोरी को लव मैरिज में बदलने के लिए दोनों को एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि लड़ना और बगावत करना तो आसान है, लेकिन किसी को राजी करना कठिन है। क्या वे दोनों कामयाब हो सकेंगे? वेल, आई एम ओशी साहू एंड यू वॉचिंग बुक बास। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेस्ट सेलिंग राइटर चेतन भगत की कलम की ये दिलचस्प दास्तां मॉडर्न इंडिया में इंटर कम्युनिटी शादी के बारे में है। असल में इस उपन्यास की कहानी एक पंजाबी लड़के और एक दक्षिण भारतीय लड़की की है, जो दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों शुरू में एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। बाद में वे प्यार का इजहार करने पर मान जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने लगते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेशक उनके माता पिता सहमत नहीं है। अपनी प्रेम कहानी को प्रेम विवाह में बदलने के लिए कपल के आगे एक कठिन लड़ाई है, और ये लड़ाई लड़ना और विद्रोह करना आसान नहीं। अनन्या एक रूढ़िवादी तमिल परिवार से है और कृष एक ठेठ पंजाबी परिवार से है। सिवाय इसके कि सब कुछ आसान लगता है, पहली बार जब उनके परिवार मिलते हैं तो आतिशबाजी होती है और ऐसा लगता है कि कृष और अनन्या की प्रेम कहानी शुरू से ही बर्बाद हो गई है। क्या वे अपने परिवार को विश्वास दिला सकते हैं कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या एक पंजाबी और तमिल परिवार एक परिवार के रूप में एक साथ आने के लिए संस्कृति, मूल्यों और व्यवहारों के अपने मतभेद को भुला सकते हैं? जैसा कि कहा जाता है कि लड़ना और विद्रोह करना आसान है, लेकिन मनाना बहुत कठिन है। क्या वे अपनी प्रेम कहानी को प्रेम विवाह में बदल सकते हैं? मेरे अनुसार टू स्टेट्स उनका अब तक का सबसे अच्छा काम है। हालांकि हम सब साहित्यिक क्लासिक नहीं कह सकते, ये एक उपयुक्त अवकाश है जिसे हम यात्रा करते समय या सोफे पर लेटते समय आनंद लेते हैं। चेतन भगत एक लेखक हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ सच में, लेकिन मैं इस तथ्य का सम्मान करती हूँ कि उन्होंने साहित्य बाजार में क्रांति ला दी है और भारत में युवा पीढ़ी को वापस आकर्षित किया है, जो किताबें पढ़ने से दूर होने लगी थी। उन्होंने लोगों को रोजमर्रा के साधारण संवादों के साथ रोजमर्रा के साधारण कार्यक्रम दिए, जिन्हें कोई भी समझ सकता था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।